गंजे सर पे बाल उगाने हो या हेयर फॉल स्टॉप करना हो या हेयर लॉन्ग करना हो, ये वाला रोज मेरी क्वार्टर स्प्रे अगर अपने बालों में लगाओगे तो बाल तुरंत उगना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा वायरल है इस तरह की वीडियो, तो चलो आज देखते हैं क्या रियलिटी है। गाइस इंटरनेट में धड़ाधड़ रोज मेरी की वीडियोस वायरल हो रही है। आए दिन इन्फ्लुएंसर्स लगा करके दिखाते हैं कि किस तरीके से रोज मेरी लगातार बालों में लगाने से उनके न्यू बेबी हेयर की ग्रोथ हुई है। अब ये वीडियो कितनी सच्ची है झूठी है इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, हेयर फॉल को रोकना चाहते हो आयुर्वेदिक तरीके से या तरीके से, दोनों सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन इस एक इंग्रेडिएंट के बारे में दोनों की बहुत अच्छी सहमति है एंड दोनों कहते हैं ये वाला इंग्रेडिएंट आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर फॉल को रोकता है, ब्रेकेज को खत्म करता है, बालों से डैंड्रफ हटाता है, डैमेज को ठीक करता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है, बालों की टेक्सचर, सॉफ्टनेस, मजबूती बढ़ा देता है। बाप रे, इतना सारा काम एक अकेला इंग्रेडिएंट करता है। एंड मैं बात कर रही हूँ इस वायरल वीडियो की तरह रोजमेरी के बेनिफिट्स, कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए और कैसे लगाने से लगातार आपके बाल लंबे हो जाते हैं। गाइस मैं तो बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी शेयर करती आई हूँ, मुझे तो 5 साल हो गए शेयर करते हुए और बताते हुए कि रोजमेरी से बाल एक्चुअल में ग्रो करते हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स जो वेस्ट वाले हैं, इनको अब जाकर के पता चल रहा है कि रोजमेरी में कितने ज्यादा फायदे हैं। ये वाली रेमेडी अभी आज मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ऑफ कैमरा मैं इसको कुछ टाइम से यूज करती आई हूँ एंड इसके अमेजिंग बेनिफिट्स है। आपको याद है मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ, डीआईवाई रोजमेरी ऑयल बनाती हूँ एंड अपने बालों में लगाती हूँ या रेडीमेड भी परचेज करके लगाती हूँ। मेरे तेल में, मेरे डीआईवाई में रोजमेरी का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अभी तक मैंने ये लीफ, डायरेक्ट साबुत लीफ का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि यार ये इजीली मिलता ही नहीं है। मेरे घर के पास बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला था एंड जब मिला था मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो फाइनली मैं ये डीआईवाई कर पाऊँ। एक्चुअली में वैसे ये डीआईवाई वर्क करता है, मैंने खुद भी ट्राई किया है, मुझे को बेबी हेयर ग्रोथ एंड दिस इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोजमेरी। बहुत सारे बेबी हेयर मुझे हुए हैं एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ रोजमेरी। तो इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो बच गया इससे बताऊंगी आपको डीआईवाई करके आप कैसे यूज कर सकते हो, और दूसरा मैं रेडीमेड सॉल्यूशन भी आपको दूंगी रोजमेरी वाटर, जैसे भी जुगाड़ कर लो रोजमेरी लीव्स का, बड़ी मुश्किल से मैंने जुगाड़ किया था। या एक कढ़ाई या पैन के अंदर एक ग्लास पानी डालना है एंड आपको 2 चम्मच ये रोजमेरी के लीव्स डालने हैं। सूखा वाला भी डाल सकते हो, साबुत जो सूखा नहीं है वो अगर आपको मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हो। अब आपको इसको गर्म करना है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे आपको बोलेंगे कि इसको उबाल दो, खौला दो। नहीं भाई, इसके अंदर के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब जल जाएंगे, आपको खौलाना नहीं है। एकदम धीमी आंच पे सिमर करना है, हल्का हल्का आपको गरम करना है, एकदम धीमी आंच पे, कम से कम 15-20 मिनट आपको इसको गरम करना है। होने दो इसको गरम, ठीक है। 15-20 मिनट बाद आप आंच बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए 20-25 मिनट के लिए और इसको छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा अब आप इस रोजमेरी वाटर को छान लेंगे। आपका डीआईवाई रोजमेरी वाटर बन गया है। अब इस वाटर को आप अपने पूरे स्कैल्प के ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरीके से। आप कॉटन से लगा सकते हैं, ड्रॉपर से लगा सकते हैं, फिंगर से लगा सकते हैं, सीधा बॉटल से उड़ेल दो अपने बालों को, बस लबालब कर दो रोजमेरी वाटर के अंदर। और ये चीज आपको डेली करनी है। जिस दिन आप शैम्पू करते हो उस दिन तो पूरा ड्रेंच कर सकते हो अपने बालों को, और जब बाल सूख जाए तो शैम्पू कर दो। बट अगर आप इसको डेली रोज यूज करना चाहते हो तो आप नॉर्मल स्प्रे भी कर सकते हो, हल्का हल्का स्प्रे कर दो। डेली हल्का हल्का स्प्रे करोगे, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार आप स्प्रे करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से डीआईवाई करके रोजमेरी वाटर को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका हेयर ग्रोथ होता है। लेकिन आप चाहो तो शैम्पू करने के बाद भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे हम सीरम यूज करते हैं ना शैम्पू करने के बाद बालों की लेंथ में, इसको तो आप स्कैल्प में, लेंथ में, हर जगह यूज कर सकते हो। यहाँ पे इतनी बेबी हेयर ना, मतलब मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ इसी को यूज किया, मैं अपना डाइट भी प्रॉपर लेती हूँ, हेल्दी खाती हूँ। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से ही कुछ करोगे, आपको डाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। तलावा ना खाना, जंक फूड, फ्राइड फूड, मैदा फूड थोड़ा अवॉइड करना, कभी कभार वन से जब भूमो तो ओके, बट डेली खाओगे तो भाई तो कुछ भी लगा लो ऊपर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को अपने बालों की लेंथ मेजर करनी है कि मेरे बाल कितने लंबे हो गए। लास्ट टाइम मैंने मेजर किया था मेरे बाल 38 इंचेस थे, अभी देखते हैं अब मेरे बालों की लेंथ कितनी है। ओ माय गॉड, लेट्स सी रोजमेरी ने मेरे बालों को कितना और कैसे ग्रो किया। शाइन तो डेफिनेटली बहुत आई है बालों में। कितने कमर का साइज रहा गाइस, अगर आप भी मेरी तरह ये वाला रोजमेरी वाटर स्प्रे करना चाहते हो ना अपने बालों में, तो आपको सबसे पहले मेजरिंग टेप से मेजर कर लेना चाहिए आपके बालों की लेंथ कितनी है, और मेरे साथ शेयर करना। इसके अंदर होता है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दैट टेंड टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, रिड्यूस हेयर फॉल एंड इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस स्कैल्प इन्फ्लेमेशन। साथ ही साथ ये हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में ब्लड सप्लाई टू द हेयर फॉलिकल, बालों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च 2% नॉक्सिल डिल को भी रिप्लेस कर सकता है। ओ माय गॉड, आपको
ऑक्सीजन क्या होता है, आपके बालों के लिए बहुत बहुत पावरफुल मेडिसिन है जो इतना स्ट्रांग होता है कि आप अपने फेस के ऊपर उसको लगा लो तो फेशियल हेयर निकल आए, इतना पावरफुल होता है। सो यूज दिस। देखो अगर आप सारा DIY करके थक चुके हो, बालों की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो एक बार ये जरूर ट्राई करना, क्योंकि सारे लोगों ने इसके बेनिफिट को देखा है, यूज करके बताया काफी अफोर्डेबल है, महंगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लिपिंग भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से डेली मैंने अलग अलग दिन पे अलग अलग तरीके से इसको अपने बालों में स्प्रे किया है। मतलब कभी मैं हेयर शैम्पू से पहले इसको अपने बालों में स्प्रे करती थी, कभी शैम्पू करने के बाद स्प्रे कर लिया, एज अ हेयर टॉनिक यूज कर लिया, एज अ हेयर मिस्ट यूज कर लिया। तो अनगिनत तरीकों से मैंने इसको यूज किया है अपने बालों में। तो इस तरीके से ट्रॉपिकली एप्लीकेशन कर सकते हो रोजमेरी का। लेकिन बैलेंस डाइट, कम स्ट्रेस लेना, कम ना स्ट्रेस तो लो ही ना, बॉडी को हाइड्रेट करना, हाइड्रेटेड रखना, पानी पीना टाइम पे, बस इतना ही कर लो एंड आई गारंटी यू कि आपके बाल जरूर लंबे होंगे, हेयर फॉल एकदम टूट जाएगा, ब्रेकेज खत्म हो जाएगी, बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पे लाइक का बटन जरूर दबाएं एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।